हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 8, दैट्स नेम इज कैंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैंसर इज अनदर डेंजरियस डिजीज लाइक एड्स। ओके, कैंसर इज आल्सो नोन एज मैलिगनेंसी। ओके, कैंसर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कैंसर इज ए डिजीज ऑफ सेल। वी नो वेरी वेल each and every cell has particular lifespan, like RBC has 120 days lifespan, WBC has 4 to 7 days lifespan. Okay, after complete their lifespan, these cells show a process that is called cell division, and during cell division new cells are formed. Okay, the formation of new cells by the help of cell division process, it is regulated and controlled by other cells of the body. ठीक है, कि जो एक normal cells के नजदीक जो neighboring cells होती हैं, okay, they regulate or controlled cell division. तो हम कह सकते हैं simply बेटा कि in our body normal cell division is normal cell division or cell differentiation is regulated and controlled. ठीक है, लेकिन क्या होता है बेटा कि जो cancer disease होती है ना, उसमें जो cancer cells होती हैं, they show uncontrolled और abnormal सेल ग्रोथ। ओके, हम कह सकते हैं सिंपली कि कैंसर सेल्स शो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस दे फॉर्म न्यू कैंसर सेल्स, एंड दीज न्यू कैंसर सेल्स अफेक्ट अदर नॉर्मल सेल्स। ठीक है, तभी बोला है बेटा कि कैंसर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल और इट इज ऑल्सो नोन एज डिजीज ऑफ सेल। ओके, आप समझे बेटा कि जो कैंसर है ना, कैंसर सम टाइप्स ऑफ कैंसर आर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक कैंसर्स और हेरिडिटी। ओके, दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जेनेटिक कैंसर्स के। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए एंड आयरन। ओके, सम पर्सन सफर फ्रॉम कैंसर। ठीक है, तो आप समझे बेटा कैंसर भी एक डेंजरियस डिजीज होती है। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ बेटा होगा क्या कैंसर के अंदर, कि जो कैंसर के जो सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स और ट्यूमर सेल्स, दे शो अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ठीक है, कि भाई मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शो करती है, न्यू सेल्स बनाती है। अब जैसे क्या है बेटा कि इसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, फिंगर के अंदर कैंसर सेल्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा कि जो ये कैंसर सेल्स हैं, ठीक है, कैंसर सेल्स, ये अदर नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, समझ लो आप उस चीज़ को, क्योंकि बताया ना कि भाई दे शो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा कि जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है ना, ठीक है, तो ये क्या बता, द मासेज ऑफ कैंसरस सेल्स। ठीक है, भाई अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है कि नॉर्मल सेल्स भी कन्वर्ट किसमें हो रही हैं, कैंसर सेल्स के अंदर। ठीक है, तो होगा क्या कि द मासेज ऑफ कैंसर सेल्स मेक नियोप्लाज्म और ट्यूमर, फिर एक जगह इकट्ठी होकर जो कैंसर सेल्स हैं बताओ ये क्या बनाते हैं, ट्यूमर बनाते हैं, ट्यूमर और नियोप्लाज्म। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, अब आपको मेनली ये जानना है, ठीक है, कि जो ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर भी दो तरह का होता है। ठीक है, ट्यूमर दो तरह के, कौन से, बेनिग्न ट्यूमर्स है और मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, बेनिग्न ट्यूमर्स है और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होता है। तो आप समझें जो बताया अभी आपको मैंने बेटा, ठीक है, कि जो कैंसर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स, ठीक है, अदर नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करती हैं, एंड द मासेज ऑफ कैंसर सेल्स मेक न्यूप्लाज्म ऑफ ट्यूमर। देर आर, ये हम सीधा लिखते हैं बेटा टॉपिक जो अपना है नेक्स्ट, टाइप ऑफ ट्यूमर्स। ओके, बेनिग्न ट्यूमर और
मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। आप एक बात और समझे बेटा कि जो कैंसर सेल्स होते हैं बेटा, कैंसर सेल्स अकर्स इन ईच पर्सन्स बॉडी, ओके, बट इन इनएक्टिवेट स्टेज, इनएक्टिवेट स्टेज के अंदर कैंसर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट ड्यू टू सम फैक्टर्स दीज इनएक्टिवेट कैंसर सेल्स कन्वर्ट्स इनटू एक्टिवेट कैंसर सेल्स, ठीक है। अब होता क्या बेटा कि जो इनएक्टिवेट कैंसर सेल्स होती हैं, इनएक्टिवेट कैंसर सेल कंसिस्ट ए जीन दैट इज कॉल्ड प्रोटो ऑन्कोजीन। कौन से होता है बेटा? प्रोटो ऑन्कोजीन। थोड़ा पहले आप यहाँ पे समझ लें, ट्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी बाद में, ठीक है, कि जो इनएक्टिवेट कैंसर जो सेल्स होती हैं दे कंसिस्ट प्रोटो ऑन्कोजीन, ओके, प्रोटो ऑन्कोजीन ड्यू टू सम फैक्टर्स दीज इनएक्टिवेट कैंसर सेल्स कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव एक्टिव कैंसर सेल्स, ओके। नाउ इन दीज एक्टिव कैंसर सेल्स प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट्स इनटू ऑन्कोजीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो इनएक्टिवेट होती है बेटा कैंसर सेल्स दे कंसिस्ट प्रोटो ऑन्कोजीन एंड एक्टिवेट कैंसर सेल्स कंसिस्ट ऑन्कोजीन, ओके। और इसी के बेस पर हम बताएंगे बेटा देर इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कैंसर दैट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या नाम है उस ब्रांच का बेटा? ऑन्कोलॉजी, इन विच वी स्टडी अबाउट कैंसर। तो बात क्या चल रही थी बेटा कि जो कैंसर होता है इट इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, कि कैंसर सेल्स जो होती हैं दे शो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड अफेक्ट्स अदर नॉर्मल सेल्स, ओके, एंड द मासेज ऑफ कैंसर सेल्स मेक टिश्यू और नियो प्लाज्म। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है, क्या बनाते हैं बेटा? ट्यूमर्स बनाते हैं, नॉट टिश्यू, ट्यूमर्स, ठीक है। द मासेज ऑफ कैंसर सेल्स मेक ट्यूमर्स और नियोप्लाज्म। आई हैव टोल्ड यू देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, बेनिग्न ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। अब आप पढ़ें कि व्हाट इज मीन ऑफ बेनिग्न ट्यूमर्स, ठीक है बेटा। जो बेनिग्न ट्यूमर्स होता है ना, बेनिग्न ट्यूमर्स डज नॉट कंसिस्ट कैंसर सेल्स, ठीक है, ये कैंसर सेल्स कंसिस्ट नहीं करता है एंड इट इज ईजिली रिमूव बाई सर्जरी, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, कि भाई बेनिग्न ट्यूमर्स जो होता है ये नॉर्मल ट्यूमर है, ठीक है। इट डज नॉट कंसिस्ट कैंसर सेल्स, बेनिग्न ट्यूमर इट डज नॉट consist cancer cells, it is removed by surgery, ठीक है, it does not spread in other body parts, okay, it does not show metastasis, ठीक है। अब ये आप सुनिए व्हाट इज द मीन ऑफ योर मेटास्टेसिस, ठीक है। होता क्या बेटा कि जो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं दैट कंसिस्ट कैंसर सेल्स, ओके, देन यू शुड नो दैट दीज कैंसर सेल्स स्प्रेड इनटू अदर बॉडी पार्ट्स बाय द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम्स, ओके, एंड इन अदर बॉडी पार्ट्स द मासेज ऑफ दीज कैंसर सेल्स मेक अनोदर ट्यूमर,
इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, ठीक है, कि जो कैंसर सेल्स होती हैं दे शो मेटास्टेसिस मींस दे अफेक्ट्स अदर नॉर्मल सेल्स, ठीक है। और जब वहाँ पर जो बहुत सारी सेल्स हैं कैंसर सेल्स जब इकट्ठी हो जाएंगी बेटा एक जगह तो क्या बनाएंगे, ट्यूमर्स बनाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है बेटा, जो बेनिग्न ट्यूमर होता है, ठीक है, बेनिग्न ट्यूमर इट डज नॉट फॉलो मेटास्टेसिस, ओके, कि भाई जो बेनिग्न ट्यूमर्स होता है इट डज नॉट स्प्रेड इन अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और ये इजिली ट्रीटेड हो सकता है बाई डॉक्टर्स, ठीक है, बाई सर्जरी मेथड्स, ठीक है। लेकिन होता क्या है बेटा कि कुछ जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रेन है, अब ब्रेन में जैसा बन गया बेनिग्न ट्यूमर, ठीक है, और उसको हम लॉन्ग टाइम से ठीक नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब सर्जरी से बाहर नहीं निकलवा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बेनिग्न ट्यूमर्स कन्वर्ट्स इनटू डेंजरियस ट्यूमर्स, ठीक है, एक डेंजरस ट्यूमर बन जाएगा फिर ये, ठीक है, फिर ये नॉर्मल ट्यूमर नहीं रहेगा, ठीक है, कि अगर लॉन्ग टाइम तक उसको हमने ठीक नहीं कराया है। और कुछ जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे अपना स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है, अगर इनके अंदर ही ट्यूमर बन गया, ठीक है, और लंबे टाइम से बना हुआ है उनके अंदर ऑर्गन्स के अंदर, तो फिर ये डेंजर बन जाता है, समझ लो आप इस चीज़ को। वैसे इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं अपन बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी मेथड्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड मैलिजनेंट ट्यूमर की, मैलिजनेंट ट्यूमर, इट कंसिस्ट कैंसरियस सेल्स इट स्प्रेड्स इन अदर body parts, it show metastasis, ठीक है। तो समझे बेटा, पहले तो क्या है बेटा कि जो malignant tumors होता है इट इज डेंजरियस ट्यूमर, इज इट कंसिस्ट कैंसर सेल्स, ठीक है, क्या होती है बेटा इसके अंदर ट्यूमर सेल्स और कैंसर सेल्स होती हैं, ठीक है, दैट अफेक्ट्स अदर नॉर्मल सेल्स, ओके, एंड आई हैव टोल्ड यू दीज कैंसर सेल्स शो ए प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी दीज कैंसर सेल्स अफेक्ट्स अदर नॉर्मल सेल्स, ओके, एंड देयर कैंसर सेल्स ग्रुप और मासेस ऑफ कैंसर सेल्स मेक टिश्यू, ठीक है, सॉरी मेक ट्यूमर, ठीक है, क्या बनाती है, ग्रुप ऑफ कैंसर्स बनाएगा ट्यूमर, ठीक है। अब वो ट्यूमर क्या कहलाएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर, और मैंने बताया भी आपको कि दिस मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड इन अदर बॉडी पार्ट्स, ओके, ठीक है, क्या है कि जो उसके पास कैंसर सेल्स हैं वो दूसरी नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करेंगे बेटा, और वहां पर जो ग्रुप है इन कैंसर सेल्स का वो क्या बनाएंगे, ट्यूमर बना लेंगे, उसका नाम क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, इट शो मेटास्टेसिस, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये टाइप्स थे ट्यूमर्स के, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ कैंसर, कि भाई कैंसर कैसे होता है, ठीक है, कॉजेज ऑफ कैंसर, देयर आर सम एजेंट्स और फैक्टर्स दैट कॉज कैंसर दीज एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेन्स, ये आपको समझना है, ठीक है, कि देयर आर सम फैक्टर्स और एजेंट्स दैट कॉज कैंसर एंड दीज फैक्टर्स आर नोन एज कार्सिनोजेन्स, ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ
एजेंट्स दैट कॉज कैंसर। ओके, यहां पर आप समझे, एक तो है बेटा फिजिकल एजेंट, सेकंड इज केमिकल एजेंट, और एक तीसरा होता है बेटा बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, अब जो बड़ा फिजिकल एजेंट है, ठीक है, फिजिकल एजेंट्स में रेज आती हैं, ठीक है, आयोनाइजिंग रेज और नॉन आयोनाइजिंग रेज। ठीक है, अब इसमें ये बता कि जो यूवी रेज है, ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, यूवी रेज है बेटा अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, दैट कम्स अलोंग विद सोलर रेडिएशन। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूवी रेज, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। ठीक है, जो ज्यादा डेंजरस है बेटा वो कौन सी होती है, यूवी सी, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर एंड बोन कैंसर। ठीक है, तो समझे यूवी रेज भी क्या बेटा एक काम करते हैं, जैसे कार्सिनोजेंस, बताया भी जस्ट आपको मैंने कि कार्सिनोजेंस आर दोज एजेंट्स और फैक्टर्स दैट कॉज कैंसर। ठीक है, समझो आप इसे। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन और रेज लाइक एक्स रेज, ठीक है, गामा रेज, ये आयोनाइजिंग रेज होती हैं। ठीक है, तो ये काम कर रही हैं फिजिकल एजेंट्स टू कॉज कैंसर। ठीक है, अब बात करेंगे अपन केमिकल एजेंट्स की, देयर आर सम केमिकल एजेंट्स दैट एक्ट एज ए कार्सिनोजेंस टू कॉज कैंसर। ओके, फर्स्ट है 3,4 बेंजो पायरेन, ठीक है, जो कोल तार के अंदर होता है ना। नंबर सेकंड 2,3 नाइट्रो सोडाई मिथाइलेमीन, इट अकर्स इन अ स्मोक। ठीक है, नंबर थर्ड कैडमियम ऑक्साइड। नंबर फोर विनाइल क्लोराइड। नंबर फिफ्थ मस्टर्ड गैस। नंबर सिक्स बेंजीन। नंबर सेवन आर्सेनिक। नंबर एट कैफीन। नंबर नाइन निकोटिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, केमिकल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें से फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, वो भी जो है एक्स करता है एज ए कार्सिनोजेन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा बायोलॉजिकल एजेंट्स की, देर आर सम माइक्रोब्स, ओके, दैट आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू कॉज कैंसर। ठीक है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नंबर सेकंड हर्स वायरस एस्टीन
बार वायरस, शॉर्ट में इसको बोलेंगे EBV HPV। ओके, नंबर फोर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, नंबर फिफ्थ राउस सार्कोमा, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल था सार्कोमा के लिए, ठीक है। और सार्कोमा क्या है, टाइप्स ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो आप देखें जो बताया गया था आपको मैंने अभी, ठीक है, कैंसर, ठीक है, कौन कौन सा बताया अभी आपको मैंने, ठीक है। तो केमिकल एजेंट्स हैं, ठीक है, केमिकल एजेंट्स के बाद आपका ये फिजिकल एजेंट्स हो गए, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए, ठीक है, कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हैं, कौन सी होगी, जैसे आपका यूवी रेज हो गया, आयनाइजिंग रेज कौन सी होगी, एक्स रेज, गामा रेज। केमिकल एजेंट्स में 3-4 बेंजोपायरिन, डेटाकर्सिन, कोलतार, 2-3 नाइट्रोसोडाइल मिथाइलेमीन, इटाकर्सिन स्मोक, ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड, विनाइल क्लोराइड, मस्टर्ड गैस, बेंजीन, आर्सेनिक, फॉर्मल्डिहाइड, कैफीन, निकोटीन, दे आर एग्जांपल ऑफ केमिकल एजेंट्स, ओके। और बायोलॉजिकल एजेंट्स बताया अभी आपको मैंने कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू कॉज कैंसर, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, हर्ब्स वायरस, एस्टिनबॉर्स वायरस EBV, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, राउस सार्कोमा, ठीक है। तो आप समझे, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंसर, टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ कैंसर, ओके। फर्स्ट सार्कोमा, ओके, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लाइक बोन कार्टिलेज मसल्स, ठीक है, इनका। सेकंड है ल्यूकेमिया, ओके, ल्यूकेमिया मींस ब्लड कैंसर, ओके। इन केस ऑफ ल्यूकेमिया द अमाउंट ऑफ WBC इज इंक्रीज्ड देन कंपेयर टू RBC, ठीक है। तो WBC का बढ़ना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में होता क्या है कि जो WBC होती है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, उनका अमाउंट क्या बढ़ जाता है, ठीक है। तो ल्यूकेमिया क्या है, यहाँ पर ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। तीसरा है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मीन्स यहां पर है कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ओके। नंबर फोर्थ एडिनोमा, एडिनोमा मीन्स कैंसर ऑफ ग्लैंड सेल्स, ठीक है, कि जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स कंसिस्ट ग्लैंड सेल्स, ठीक है, तो कैंसर ऑफ ग्लैंड सेल्स इट इज कॉल्ड एडिनोमा, ओके। नंबर फिफ्थ मिलेनोमा, मिलेनोमा इज ए कैंसर ऑफ
स्किन सेल्स, ओके, यू नो वेरी वेल, आवर स्किन कंसिस्ट वन स्पेशल काइंड ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड मेलेनोसाइट, ओके. दीज मेलेनोसाइट सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ए पिगमेंट दैट इज कॉल्ड मेलेनिन. क्लियर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन आवर हेयर कलर, आवर आई कलर, आवर स्किन कलर अकर्स. ठीक है, तो उसमें कैंसर होना, स्किन सेल्स में कैंसर होना, मेलेनोसाइट्स के अंदर कैंसर होना, वो क्या कहलाएगा? मेलेनोमा. ठीक है, एक होता है माइलोमा, कैंसर ऑफ मसल सेल्स. ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं लिम्फोमा की. ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है कैंसर का, लिम्फोमा. लिम्फोमा मीन्स कैंसर ऑफ लिम्फ नोड. ठीक है बेटा, तो ये कुछ टाइप्स हैं कैंसर के, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ एपिथेलियम सेल्स, कार्सिनोमा, एडिनोमा, कैंसर ऑफ ग्लैंड सेल्स, कैंसर ऑफ स्किन सेल्स, मेलेनोमा, लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स. ओके, फिर हम बात करें बेटा ब्रेन की, ब्रेन ट्यूमर्स. ठीक है, ब्रेन ट्यूमर्स में जैसे ग्लियोमा, जो ग्लियल सेल्स होती हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो वो क्या कोज करती हैं? कैंसर. ठीक है, जो मतलब अगर अगर वो इन्फेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, अदर कैंसर सेल्स से, तो वो क्या बनेंगे बेटा? ग्लियोमा. ठीक है, ग्लियोमा क्या बेटा? कैंसर ऑफ ग्लियल सेल्स इन अ ब्रेन. ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है कैंसर के. ठीक है, एक होता है बेटा बर्किट लिम्फोमा. कौन सा टाइप है बेटा? बर्किट लिम्फोमा. ये भी टाइप है बर्किट लिम्फोमा. ठीक है, जब लिम्फोमा आ रहा है वर्ड, तो आप समझ जाना बेटा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स होती हैं, दे आर अफेक्टेड इन दिस कैंसर. ओके, लेकिन आप समझे कि कैंसर ये होता कैसे है, बर्किट लिम्फोमा. इसमें होता क्या है बेटा कि क्रोमोसोम्स नंबर 8 इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेटेड विद क्रोमोसोम्स नंबर 14. ठीक है, कि जो क्रोमोसोम्स नंबर 8 होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम नंबर 14. ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये हो गया रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. ठीक है, कौन सा है? बर्किट लिम्फोमा. एक दूसरा होता है बेटा क्रॉनिक क्रॉनिक माय एक क्रॉनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया. इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा कि क्रोमोसोम नंबर 9 रिप्लेस्ड हो रहा है क्रोमोसोम्स नंबर 22 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो ये क्या बेटा? एक तरह से रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है. ठीक है, कि इनके बीच में ट्रांसलोकेशन हो रहा है. ठीक है, और क्या कोज कर रहे हैं ये? क्रॉनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया. ठीक है, फिर बेटा अलग तरह के देखो कैंसर्स होते हैं. ये तो आपको मैं नॉर्मली बताया है, बाकी आप जान रहे हैं बेटा कि जैसे सुना भी होगा आपने कि ज़्यादा टबैको यूज करने से, स्मोकिंग कर रहे हैं या च्यूइंग कर रहे हैं टबैको, तो लंग कैंसर है. ठीक है, स्मोकिंग करने से. थ्रोट कैंसर हो गया च्यूइंग करने से टबैको. ठीक है, ओरल कैंसर हो गया, गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर हो गया. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंसर भी हैं. ठीक है, इनको भी हम काउंट करेंगे, लेकिन मेन मेन जो थे मैंने आपको बता दिए. ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स. ठीक है,
कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये कैंसर सेल्स है कि नॉर्मल सेल्स है। ठीक है, वैसे आपको बताऊं बेटा मैं कि कुछ कुछ जो एक्सटर्नल जो करेक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि दिस वन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, जैसे जो मस्से होते हैं ना, मस्से वॉर्ट, ठीक है, अगर उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मस्सों का साइज, और जो तिल होते हैं मोल, अगर उनका साइज इंक्रीज हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि इसको कैंसर है। ठीक है, उसको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, वैसे जो कैंसर सेल्स होती हैं उन कैंसर सेल्स के अंदर क्या करेक्टर्स होते हैं वो आप देखें। ठीक है, एक तो क्या होता है बेटा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, वन करेक्टर। सेकंड देखें, गोल्जी बॉडी दैट इज नोन एज स्टोर रूम ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी इज रिड्यूस्ड। नंबर थर्ड देखें, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज्ड। और नंबर फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि बहुत सारे जो राइबोसोम है वो क्या बनाएंगे बेटा, पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कैंसर सेल्स की। ठीक है, समझे। अच्छा बेटा, एक बात मैंने आपको बताई नहीं थी लेकिन बता रहा हूँ आपको अभी मैं, कि अपने एनसीईआरटी में ना एक वर्ड दिया हुआ है ऑन्कोजेनिक वायरस। किसका दिया हुआ है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ठीक है, तो बेटा ये भी आपको समझना है कि ये ऑन्कोजेनिक जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, अभी जितने आपको एग्जांपल दिए वो क्या थे, ऑन्कोजेनिक वायरस थे बेटा। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हर्प्स वायरस, ठीक है, राउट सार्कोमा, तो ये ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू कॉज ट्यूमर्स। ओके, किसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, ये ट्यूमर को कॉज करने के लिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बेटा स्टार्टिंग में कि हर किसी के पास कैंसर सेल्स होती हैं इनएक्टिवेट स्टेज के अंदर, और इनके अंदर क्या होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये इनएक्टिवेट कैंसर सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट्स इनटू ऑन्कोजीन। अब जो एक्टिवेट कैंसर सेल्स होंगे क्या करेंगे, ऑन्कोजीन। ठीक है, तो आप इनके बारे में भी जाने हैं ना, ऑन्कोजेनिक वायरसेस के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन सा है बेटा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कैंसर को, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट। ठीक है, ल्यूकेमिया दैट इज एग्जांपल ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, टू चेक ब्लड कैंसर, ठीक है, दे बोथ टेस्ट अकर्स, फर्स्ट ब्लड टेस्ट एंड सेकंड बोन मैरो टेस्ट। बताया था आपको मैंने बेटा प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जितनी भी जो सेल्स बनती हैं ब्लड सेल्स, वो किसमें बनती है बेटा, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा कि अगर ब्लड कैंसर है, ड्यूरिंग ब्लड कैंसर द नंबर ऑफ WBC इंक्रीज्ड देन कंपेयर टू RBC। ठीक है, तो इन दोनों को टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट, ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस वन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया और नोट। ठीक है, फिर है नंबर थर्ड पे बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी को समझे बेटा, इन केस ऑफ बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी नीडल विद अल्ट्रा साउंड प्रोब। ठीक है,
इंजेक्ट इनटू सस्पेक्टेड ऑर्गन, ठीक है, इनटू सस्पेक्टेड बॉडी ऑर्गन, ठीक है। होता क्या बड़ा बायोप्सी के अंदर कि बायोप्सी ड्रिल विद अल्ट्रासाउंड प्रोब, ठीक है, तो सस्पेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, उसको अपन इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है, बायोप्सी नीडल्स को फॉर टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यूज, ठीक है, बाहर क्या निकाल लिया आपने, टिश्यूज को बाहर निकाल लिया, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू, ओके। देन आफ्टर वी टेक थिन सेक्शन और थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू, थिन सेक्शन ऑफ थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू, ओके। आफ्टर दिस दीज थिन स्लाइस और सेक्शन ऑफ टिश्यू और स्किन इज स्टैंड बाई डाई, डाई से हम क्या करेंगे बेटा, उसको थिन स्लाइस ऑफ स्किन या थिन सेक्शन ऑफ टिश्यू को हम क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे, ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, एग्जामाइन अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, फिर उसको हम एग्जामाइन कर रहे हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, फिर हम चेक कर रहे हैं कि भाई दीज सेल्स दैट प्रेजेंट इन दिस थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू और स्किन कंसिस्ट कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स, कि कैंसर सेल्स क्या होती हैं, इमोर्टल होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, न्यूक्लियाई का नंबर इंक्रीज होता है, पॉलीराइबोसोम की फॉर्मेशन होती है और गोल्जी बॉडी रिड्यूस होती है, ठीक है। तो ये बायोप्सी मेथड होता है बेटा, इसमें हम सस्पेक्टेड ऑर्गन्स का, अब चाहे वो कोई भी ऑर्गन है, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, या फिर वो लीवर का कोई पार्ट है, जो भी सस्पेक्टेड इंटरनल ऑर्गन्स होता है उससे हम थिन टिश्यूज को बाहर निकालेंगे, फिर थिन सेक्शन कट करेंगे, फिर उस सेक्शन को हम चेक करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, फॉर चेकिंग कैंसरस सेल्स, ठीक है। तो बायोप्सी मेथड इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट कैंसर सेल्स, ठीक है। फिर आ रहा है बेटा नंबर फोर्थ पे, सिटी स्कैन, सिटी स्कैन इज ऑल्सो नोन एज कैट स्कैन, ओके। कंप्यूटेड एक्सल टोमोग्राफी, ठीक है, कि जो सिटी स्कैन होता है बेटा, कंप्यूटेड एक्सल टोमोग्राफी और सिटी का मतलब है कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है बेटा, सिटी स्कैन के अंदर एक्सरेज आर यूज्ड ऑन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, अब चाहे वो बोन्स है, ठीक है, कार्टिलेज है, ठीक है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं अपन, एक्सरेज फॉर ऑप्टेनिंग थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, कि जो सिटी स्कैन होता है बेटा वो थोड़ी फास्ट है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक्सरेज को अप्लाई करते हैं, कहां पर एक्सरेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑन अफेक्टेड इंटरनल ऑर्गन्स, जो सस्पेक्टेड इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर किसको डाल रहे हैं अपन, एक्सरेज को, ठीक है, किसको ऑप्टेन करने के लिए, थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ओके, तो आप समझे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर फिफ्थ की, MRI, ये
ये थोड़ी एक्सपेंसिव है बेटा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ठीक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है देन कम्पेयर टू सिटी स्कैन, लेकिन सिटी स्कैन फास्ट होता है देन कम्पेयर टू एमआरआई। एमआरआई में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, एमआरआई जो हम करवाते हैं पूरी बॉडी के, हम एमआरआई करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि जो अंदर का जो टिश्यूज़ है ना, ठीक है, इवन हमें टिश्यूज़ जो ऑर्गन्स का जो टिश्यूज़ है उसकी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बाय द हेल्प ऑफ एमआरआई टेक्निक्स, ठीक है। तो नंबर फिफ्थ पे है अपना MRI, फुल फॉर्म है बेटा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इन दिस वी यूज रेडियो वेव्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड इन एमआरआई टेक्निक्स, ओके। एंड बाय द हेल्प ऑफ एमआरआई टेक्निक्स, ओके, वी कैन इजीली एग्जामाइंड इंटरनल टिश्यूज, ठीक है, कि हम जो भी इंटरनल ऑर्गन्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको इजिली एग्जामाइन कर सकते हैं कि भाई वो नॉर्मल तो हैं, क्या वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं या क्या उनके अंदर डिस्टर्बेंस हुई है, ठीक है। तो अंदर तक जो सेल्स का जो टिश्यूज़ का पता लगा जा सकता है वो किससे बेटा, एमआरआई टेक्निक से, ठीक है। और बताया भी आपको मैंने कि इस टेक्निक्स के अंदर रेडियो वेव और मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज किया जाता है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल टिश्यूज, ठीक है। होता क्या बड़ा, एक बड़ा सा चैम्बर होता है एमआरआई चैम्बर, ठीक है, उसमें पेशेंट्स को लिटा के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। अब जिस भी ऑर्गन्स का हमें करवाना है, ठीक है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, और रेडियो वेव्स को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल टिश्यूज, ठीक है। तो हम इससे भी कैंसर सेल्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एमआरआई टेक्निक्स, ठीक है। एक है नंबर सिक्स पे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। इन दिस टेस्ट एंटीबॉडीज आर यूज्ड फॉर कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन और जीन, ठीक है। इस टेक्निक में क्या हो रहा है बेटा कि एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर स्पेसिफिक जीन्स और कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, कि अगर सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज हुई किसके अगेंस्ट, एंटीजन्स के अगेंस्ट, ठीक है, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज बाइंड विद एंटीजन्स, ठीक है, समझ रहे हैं। और जब एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी एंटीजन्स के साथ तो हम इजीली पता लगा सकते हैं दिस वन इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कैंसर जो भी उसको होगा, ठीक है। क्योंकि बताया ना कि अगर हम उस सस्पेक्टेड पर्सन का हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज बन गई होंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज बन गई होंगी किसके अगेंस्ट, एंटीजन्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब उस एंटीजन्स को हम जो है एलाइजा टेक्निक्स भी है बताया आपको मैंने, ठीक है, जो कैंसर के चेक करने में काम आती है। तो अब उस कैसेट्स के अंदर क्या है, एंटीजन्स हैं, ठीक है, जो कैंसर कोज करने वाले एंटीजन्स होते हैं वो हैं। अब क्या अगर ब्लड सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज हुई तो उन एंटीजन्स के साथ वो क्या हो जाएगी बेटा, बाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अगर ये इंटरेक्शन हो जाता है तो उस सस्पेक्टेड पर्सन को कैंसर है, ठीक है, समझ रहे हैं आप चीज़ को। तो इसमें यह है कि बेटा एंटीबॉडीज आर यूज, ठीक है, या फिर हम कोई बाहर से अगर उसके सैंपल के अंदर एंटीजन्स हुआ तो हम बाहर से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो एंटीबॉडीज जो स्पेसिफिक हैं उन एंटीजन्स के लिए, उन कैंसर एंटीजन्स के लिए, उन कैंसर जीन्स के लिए। तो जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, बाइंड हो जाएंगे साथ किसके, एंटीजन्स के, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं एंटीबॉडीज को फॉर कैंसर स्पेसिफिक जीन्स और एंटीजन्स के लिए, ठीक है।
अब टॉपिक है बेटा अपना कैंसर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, कि हाउ कैन वी ट्रीट कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ओके, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ओके। फर्स्ट रेडियोथेरेपी और रेडिएशन, रेडियोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, इन दिस टेक्निक्स एक्स और गामा रेज, गामा रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है, ठीक है, कि इस टेक्निक के अंदर रेडियो थेरेपी के अंदर जो रेडिएशंस हैं एक्स रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस, इनको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स, ओके। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सम रेडियो आइसोटॉप्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ थेरेपी विल बी नोन एज रेडियो आइसोटॉप थेरेपी, ओके। तो मैं बता रहा हूँ बेटा आपको मैं कि रेडियो आइसोटॉप थेरेपी के अंदर जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं उनके एग्जाम्पल है बेटा कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, ओके। तो दीज रेडियो आइसोटॉप्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बट यू शुड नो दैट दीज रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन रेडियो आइसोटॉप थेरेपी, ओके। एंड रेडिएशंस आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, ओके। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा सेकंड जो ट्रीटमेंट मेथड है बेटा वो है कीमोथेरेपी। क्या है? कीमोथेरेपी, इन केस ऑफ कीमोथेरेपी, कीमो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर केमिकल्स, ठीक है, इन दिस थेरेपी केमिकल सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको बेटा मैं, एक तो है विन ब्लास्टिन एंड विन क्रिस्टिन, ओके। These both chemicals are used for the treatment of cancer in chemotherapy, ठीक है, जो vinblastine और vincristine है they are isolated from a plant that name is Catharanthus rogeus, ये भी आपको बताना चाहिए बेटा, ये plant का नाम है Catharanthus rogeus, जिससे इन विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन को बाहर निकाला गया, ठीक है, और ये दोनों जो केमिकल्स हैं दे आर यूज्ड इन कीमोथेरेपी। अब क्या होता है बेटा, अगर कंटिन्यूसली हम किसी पेशेंट पे कीमोथेरेपी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बेटा अलग अलग समस्या भी हो जाएंगे, ठीक है, लॉस ऑफ वेट हो गया, ठीक है, लॉस ऑफ हेयर हो गया, उसका बॉडी वेट कम हो जाएगा, ठीक है, उसका वीक हो जाएगा, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, उसको हेडेक रहेगा, ठीक है, और लॉस ऑफ हेयर्स ये भी हो जाएगा, ठीक है, समझे, अगर हम कंटिन्यूसली कीमोथेरेपी यूज किए जा रहे हैं उस पेशेंट के ऊपर, ठीक है। नंबर थर्ड है इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन दिस थेरेपी you know some chemical substances are used that are essential to boost immune system, ठीक है, कि भाई जो immune power है, immune power of this affected persons, ठीक है, उसको increase करना है by the help of immunotherapy, okay, and in this therapy alpha interferon named chemical substance is used to boost immune system or immune power to fight against the pathogens, ठीक है, तो immunotherapy भी use हो सकती है बेटा, होती है for treatment of cancer, ठीक है। और number fourth पे जो आ रहा है, fourth पे है
सर्जरी, ठीक है। बताया था बेटा आपको मैंने कि जो कुछ जो ट्यूमर्स होते हैं, देखो होता क्या है बेटा कि अगर कैंसर का अर्ली स्टेज के अंदर पता लग जाता है, ठीक है, जैसे ट्यूमर होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, और अर्ली स्टेज के अंदर पता लग जाता है कि भाई ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, ये कैंसरियस ट्यूमर्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, सर्जरी मेथड से दीज ट्यूमर्स कैन बी इजिली रिमूव्ड, ठीक है, वो इजिली हटाए जा सकते हैं वहाँ से, ठीक है, या फिर किसी अगर एक ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, कैंसर हो चुका है, ठीक है, जैसे हैंड्स में कैंसर हो चुका है, ठीक है, तो अब लास्ट ऑप्शन यही है बेटा, सर्जरी सर्जरी मेथड से उस हैंड को कट कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर हम हैंड को कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो बताया था आपको मैंने एक जो कैंसर सेल्स होती हैं, दे शो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है, और जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कोई रेगुलेशन और मतलब कोई कंट्रोल नहीं है कैंसर सेल्स के ऊपर, ठीक है, वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती हैं, जो प्रॉपर्टी फॉलो कौन करती है, नॉर्मल सेल्स, क्योंकि नॉर्मल सेल्स हैं वो अंडर कंट्रोल्ड काम करती हैं, वो रेगुलेटेड होती हैं, ठीक है, जो सेल डिवीजन शो करते हैं नॉर्मल सेल्स, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो उनका ये फंक्शन रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, लेकिन जो कैंसर सेल्स होती हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है, पता है ना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शो करती हैं, तो वो अदर नॉर्मल सेल्स को भी क्या करेंगे बेटा, अफेक्ट करेंगे, ठीक है, तो पूरी बॉडी के अंदर फिर कैंसर सेल्स फैल जाएंगे, ठीक है, और कैंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बताया था आपको मैंने कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होता है इट स्प्रेड इन बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या फैल जाएगा, वो ट्यूमर फैल जाएगा, ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, अगर हाथ में हुआ है तो उस हाथ को कट कर दो, ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था बेटा कैंसर जो कंप्लीट हो चुका है, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट ड्रग्स, ड्रग एब्यूज, ठीक है, ओके, थैंक यू।